तो गाइस यार आज का जो वीडियो है अपाची आरटीआर के इंजन गार्ड मॉडिफाई पर है और होंडा के साइलेंसर मॉडिफाई पर है और अपाची के बाइजर मॉडिफाई पर है। एक्चुअल में आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि गाइस इसमें पहले से डैमेज हो चुके थे जिसको हमने मॉडिफाई किया। हालांकि ये जो इंजन गार्ड है ये शोरूम से लिया गया था और लेते ही 3-4 दिन के बाद इसमें डैमेज आ गया जिसको हमने मॉडिफाई किया है, जो कि आप आगे वीडियो में देखेंगे। और आप लोग के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग इन चीज़ों से कैसे बचे ये सारा कुछ हमने इस वीडियो में मेंशन किया है। तो गाइस जो लोग चैनल पर नहीं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को भी दबा दिया। तो चलिए गाइस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइस यार ये है अपाची आरटीआर के इंजन गार्ड और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर किस तरह से इसके पेंट छोड़ दिए हैं। हालांकि इसको ख़रीदा हुआ ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, कस्टमर का कहना है कि 4 से 5 दिन के बाद ही इसका पेंट ऑटोमेटिक निकल गया और उन्होंने शोरूम से इसको ख़रीदा था और शोरूम से लेने के बाद इसका बिल भी लिया है। उनका कहना है कि उनके पास बिल भी है और वो मुझसे कह रहे थे कि आप मेंशन कर दो बिल के बारे में। हालांकि मैं वो सब नहीं बताना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि शोरूम से भी आप सामान लेते हैं तो वहाँ से भी जो है सामान में आपका कुछ गड़बड़ हो सकता है और उसको आप किस तरह से बचा के रखें और कैसे मॉडिफाई किए करें इस वीडियो में हम उसी टाइप से दिखाने वाले हैं। आप जो मेट ब्लैक आप देख पा रहे होंगे तो गाइस इसका मेट ब्लैक का डिज़ाइन शायद नीचे में भी दिया हुआ है तो उसी पर जो है मिलता जुलता हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं ताकि ये जो है पेंट का निकला हुआ जो है वाइट कलर का वो भी ढक जाए और डिज़ाइन भी बन जाए। और वो जो मेट ब्लैक कंपनी से दिया हुआ है वो भी किस तरह से बाहर निकल रहा है अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो है ये देखिए यहाँ पर देखिए ये जो है किस तरह से अपने आप ये छोड़ रहा है। तो इसको भी हम एक बीट लगा करके इसको हम मैनेज कर देंगे और ये एक अलग सा डिज़ाइन अच्छा सा देखने में हो जाएगा खूबसूरत। तो गाइस इसका मॉडिफाई कंप्लीट हो गया है और आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है और जो डैमेज था वो भी ख़त्म हो गया है और ये अपने में एक खूबसूरत जो है देखने में लग रहा है। और नेक्स्ट जो मॉडिफाई है वो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं आरटीआर के वाइज़र पे एक आयरन मैन का डिज़ाइन बनाने वाले हैं। वो भी जो है उसको बनाने में थोड़ा सा टफ है, हालाँकि उसका जो डिज़ाइन है कंप्यूटर पर उसको बना करके उसका एक पार्ट को हटा करके इसमें लगाया जाता है। हालांकि उतना चीज़ हम वीडियो पे नहीं दिखाएंगे, अगर उतना दिखाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वो अगर आप बनवाएंगे तो वो खुद जो है जो मॉडिफायर है वो खुद इसको समझ लेंगे कि ये कैसे इसको बनाया जाता है, जो डिज़ाइन है उसको कैसे मतलब सिर्फ चश्मा को गूगल को हटा करके वहाँ से उसको निकाल करके और उसको जो है बनाया जाता है वो सारा कुछ वो समझ लेंगे। बस आप इसको आप देख सकते हैं कि हम इसको कैसे किए हैं। इसको सबसे पहले हम व्हाट्सअप से जो है सिस्टम पे लेकर के और फ्लेक्सी पे इसको ला करके और इसको फिर कटिंग वर्जन में लेकर के इसको हम पूरा कट कर लिए हैं और बाहर का जो आप ब्लैक हिस्सा देख रहे हैं इसको हम हटा करके सिर्फ जो अंदर का जो है उसी को रहने दिए है तो ही ये ज़्यादा जो है खूबसूरत देखने में लगेगा। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो हम हटाए तो बाहर का हिस्सा पहले ही उखाड़ के फेंक दिए निकाल करके और अंदर का जो हिस्सा है रेड वाला इसी को रहने दिए तो ही ये देखने में अच्छा लग रहा है। इसका गूगल वगैरह सब जो है अंदर का वो निकाल करके इसको जा करके इसमें हम लगा देंगे तो ये देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। हालाँकि इसका पूरा जो डिज़ाइन आप सिस्टम पर देखे वो अगर लगाते तो वो ज़्यादा बेटर नहीं लग रहा था, इसीलिए इसको इस तरह से किया गया। तो फ्रेंड्स ये लगभग कंप्लीट हो गया है और आपको बताना फ्रेंड्स कि इस वीडियो में जो है हमने पहला डिज़ाइन दिखाया, दूसरा डिज़ाइन दिखाया, आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और तीसरा जो डिज़ाइन है गाइस ये साइलेंसर मॉडिफाई से लेकर के है, साइलेंसर में जो कंपनी से पहले से जो स्टिकर दिया हुआ रहता है और ये सब हालांकि ये लगाया हुआ था जो अभी आप उखाड़ते हुए देख रहे थे और ये ख़राब हो गया इसलिए हम इसको दोबारा लगा रहे हैं। अगर आपका साइलेंसर में पैर रखने से उसमें ज़्यादा स्क्रैचेज आ जाते हैं तो आप इसको इस तरह से मॉडिफाई करा सकते हैं, वो भी देखने में अच्छा लगता है। चूँकि इस तरह के जो डिज़ाइन के जो कार्बन के डिज़ाइन के जो स्टिकर है ये जो स्टिकर आपके बाइक से मिलता जुलता रहता है चूँकि कंपनी से ऑलरेडी पहले इस तरह के डिज़ाइन कहीं ना कहीं पर बाइक में दिया हुआ रहता है जिसको आप इसको लगाने से आपको बाइक से ये मिल जाता है और देखने में भी ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो गाइस हम बात कर रहे थे कि जो है वीडियो कैसा लगा
ये जो तीन डिज़ाइन आपको हम दिखाए, साइलेंसर का और वाइजर का और जो है आपका इंजन गार्ड का, इन तीनों में से कौन सा अच्छा लगा या फिर तीनों अच्छा लगा या कैसा लगा, ये सारा कुछ आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो फिर उसमें से कुछ और बदल फेर कर सकूं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले बटन को भी दबा दीजिए। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।